guys, so in this video we are going to learn 5 different ways to say I'm happy, I'm bored, I'm tired, it's delicious. अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो यू विल इम्प्रेस पीपल, यू डोंट नो हाउ मच. ये बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए, सो हियर वी गो. सबसे पहले अगर आपको कहना है कि आप बहुत खुश हैं, यू आर वेरी हैप्पी, तब आपको कहना है आई एम ओवर जॉयड, आई एम ओवर द मून, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन क्लाउड 9, या आई एम डिलाइटेड. इसमें से आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं एंड द पीपल विल लव इट. उसके बाद अगर आप बहुत थके हुए हैं, यू आर वेरी टायर्ड, तो आप कह सकते हैं आई एम नेकर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स, आई एम स्पेंट, आई एम वॉर्न आउट. ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं. स्पेशली आई एम नेकर्ड, ये न्यू अमेरिकन स्लैंग है, यू कैन यूज़ इट टू इम्प्रेस पीपल. उसके बाद इफ़ यू आर बोर्ड विथ समथिंग, आप बहुत बोर हो चुके हैं किसी चीज़ से, तो आप कह सकते हैं इट बोर्ड मी टू टीयर्स, इट बोर्ड मी टू डेथ, इट्स डल, इट्स लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, इट्स लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई. मतलब कि ये बहुत ही स्लो है और ये देखकर तो बस आंसू आना बाकी है या बस मौत आनी बाकी है, दैट्स इट. सो आप ये सारे फनी एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर बोर्ड विद समथिंग. उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं इट्स माउथ वाटरिंग, इट्स डिलीशियस, इट्स डेलिश, इट्स यमी, इट्स लशियस. ये सारे एक्सप्रेशंस आप यूज़ करके आपकी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके बताइए हाउ वॉज इट, डिड यू लाइक इट और नॉट. थैंक यू वेरी मच.